नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉरस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक के, ठीक है। हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन। अब इस केस में हमें पता है कि जब भी हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग करते हैं या जब भी हम ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं तो ये दो टाइप की हो सकती है। वन इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस की, यानी बेस जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों पर क्या होता है? कॉमन होता है। तो इन केस ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के केस में, ठीक है, फर्स्ट इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसके केस में क्या होगा? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के केस में हम जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो बेस इमीटर से अप्लाई करते हैं, जबकि जो आउटपुट लेते हैं वो किससे लेते हैं? बेस कलेक्टर से। तो इस सिचुएशन में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, जो इनपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा? दैट इनपुट वोल्टेज इज वी बी ई, जबकि जो इनपुट करंट होगा वो कौन सा होगा? आई ई। यानी हम आई ई वर्सेज वी बी ई के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं जब VCB क्या हो? कांस्टेंट, ठीक है, जब VCB क्या हो? कांस्टेंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? सो सेकंड इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा कि हम आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आउटपुट करंट क्या होता है? IC वर्सेस VCB, ठीक है। हम किस किस के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे? आईसी वर्सेस वीसीबी, जबकि इनपुट करंट, इनपुट करंट क्या है? दैट इज आईई। आईई क्या होगा? कांस्टेंट। क्लियर है? तो हमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करनी है, पर इन कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करने के लिए हमें हमारे ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड एक्टिव मोड में लेकर आना होगा। फॉरवर्ड एक्टिव मोड में लाने के लिए हम ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर जंक्शन को, क्या करते हैं? फॉरवर्ड करते हैं, जबकि बेस कलेक्टर को रिवर्स करते हैं। ये हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अगर आपको इसे समझना हो तो इसके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। सो अब इससे क्या करना होगा? हमें ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड एक्टिव मोड में लाना है। तो हम क्या करें? ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करें। तो हमने यहाँ एक ट्रांजिस्टर लिया, इट इज आर ट्रांजिस्टर। ये हमारा क्या है? एक ट्रांजिस्टर है जिसे हम इनपुट और आउटपुट दोनों पर क्या ले रहे हैं? कॉमन। बेस को हमने इनपुट और आउटपुट दोनों पर क्या किया है? कॉमन किया है। ये हमारा क्या हो गया? इमीटर, ये हो गया बेस, और ये हो गया कलेक्टर। ये एरो डिफाइन कर रहा है ये क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इट इज एन, इट इज पी एंड इट इज एन। क्लियर है? नाउ अब अगर हम इस पर क्या करें? कॉन्स्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर दें बैटरी से, तो क्या होगा? हमें कांस्टेंट पॉइंट मिलेंगे। यानी इस बेस इमिटर जंक्शन को मुझे क्या करना है? फॉरवर्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इस पी को बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ क्या करें? हमने एक बैटरी यूज की, दैट बैटरी इज नेगेटिव। इस बैटरी को हमने बैटरी के पॉजिटिव को पी से, जबकि नेगेटिव को हमने एन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस बैटरी को नाम दिया हमने वी ई ई, ये इसका नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। सेम एज इस बेस कलेक्टर को रिवर्स करने के लिए हमने एक और बैटरी यूज की, दैट इज वी सी सी, इट इज बैटरी वी सी सी, ये इसका नेगेटिव या पॉजिटिव। हमें बेस को क्या करना है? बेस कलेक्टर को क्या करना है? रिवर्स करना है। दैट इज वाई हम पी को बैटरी के नेगेटिव से और एन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया? इसे बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इससे बैटरी के नेगेटिव से। क्लियर है? तो ये हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो गया? फॉरवर्ड एक्टिव मोड में आ गया। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमने दोनों बैटरी जो अप्लाई किए हैं वो क्या है? स्टैटिक है, ठीक है। ये दोनों बैटरी क्या है? स्टैटिक है। दैट इज वाई इन स्टैटिक बैटरी के कारण एक स्टैटिक वोल्टेज इस पर अप्लाई होगा। इस स्टैटिक वोल्टेज के कारण हम स्टैटिक एनालिसिस या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट नहीं कर पाएंगे। हमें ग्राफ पर सिर्फ एक पॉइंट, एक बिंदु मिलेगा।
तो ऐसे सिचुएशन में हमें रिक्वायरमेंट क्या है, जब भी हम एनालिसिस करें तो हमें स्टेप डीसी की रिक्वायरमेंट होगी। स्टेप डीसी मतलब आप क्या करें, आप धीरे धीरे डीसी की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं और उस इंक्रीज वैल्यू के रिस्पेक्ट में करंट और वोल्टेज मेजर करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कॉन्स्टेंट डीसी को स्टेप डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यूज करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर बैटरी के साथ एक रियोस्टेट और वी कैन से दैट एक पोटेंशियोमीटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पोटेंशियोमीटर हो गया। इस पोटेंशियोमीटर का एक टर्मिनल मान लीजिए, ये टर्मिनल क्या है, X1 है, ये टर्मिनल है Y1 और ये टर्मिनल है Z1। तीन टर्मिनल होते हैं। X1 को हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, Y1 को बैटरी के पॉजिटिव से, और Z1 जो है उसे हम उस यानी Z1 टर्मिनल जो है वो हमें स्टेप डीसी प्रोवाइड करें, यानी Z1 और Y1 के बीच में हमें स्टेप डीसी मिलेगी। तो Z1 पर जो है वो क्या जाएगा, नेगेटिव, यानी Z1 नेगेटिव शो करेगा और Y1 क्या होगा, पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, हम इस नेगेटिव को इमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। नाउ अब आप जैसे जैसे इस Z1 के इस टर्मिनल को रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, घुमाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे डीसी की वैल्यू चेंज होगी, यानी पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस चेंज होगा, और इसके रेजिस्टेंस के चेंज होने से इस बेस इमीटर पर अप्लाई होने वाला वोल्टेज धीरे धीरे परिवर्तित होगा, जिसके कारण इससे फ्लो होने वाला करंट भी क्या होगा, चेंज होगा। सेम एज हम क्या करेंगे, VCC के साथ भी करेंगे, तो आउटपुट पर भी हम क्या करें, एक आउटपुट पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, एक रियोस्टेट और वी कैन से दैट पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एक पोटेंशियोमीटर अप्लाई किया, मान लीजिए ये इसका है X2 टर्मिनल, इट इज Y2 टर्मिनल एंड इट इज Z2 टर्मिनल। क्लियर है, ये बैटरी का पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। इस पॉजिटिव को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, कलेक्टर से। ये हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। पर अब यहाँ फिर एक प्रॉब्लम आती है कि हमने अभी क्या किया, हमने सिर्फ वोल्टेज, ठीक है, बैटरी अप्लाई किया है, इस बैटरी के रिस्पेक्ट में हमने जो वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, जो करंट चेंज हो रहा है, उसका हमें कोई अंदाज़ा है कि वो कितने से चेंज हो रहा है, कितने से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए, इसे मेजर करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर कि हम वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए हम मीटर यूज़ करें। अब ये मीटर कौन से होंगे, वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, जबकि करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं। क्लियर है, सो हमें कौन कौन से वोल्टेज और करंट की रिक्वायरमेंट है, हमें इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट की रिक्वायरमेंट है, सेम एज आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की रिक्वायरमेंट है। सो हमें पता है जब हम इससे इनपुट वोल्टेज फाइंड करेंगे, वो वोल्टेज क्या होगा, बेस इमीटर वोल्टेज। तो बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज मेजर करने के लिए हम बेस और इमीटर पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा क्या होगा, पैरेलली कनेक्ट होता है जिन दो पॉइंट के बीच में हमें क्या करना हो, वोल्टेज फाइंड करना हो। मान लीजिए ये वोल्ट मीटर है V1। अब इस वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल जो हैं ये किससे कनेक्ट होंगे, जब तक ये पोलैरिटी इस वोल्ट मीटर के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल की पोलैरिटी प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं होगी, तब तक ये हमें वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा। सो इसकी पोलैरिटी जो होगी, इनपुट की पोलैरिटी, जस्ट डिपेंड करेगी आपकी बैटरी की पोलैरिटी से। तो बैटरी का यहाँ नेगेटिव है, सो दैट यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। इट मीन्स कि हमारा इमीटर क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसे नेगेटिव से, और बेस क्या है, पॉजिटिव, इसलिए बेस के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। क्लियर है, तो ये V1 हमें कौन सा वोल्टेज देगा, इट इज VBE। क्लियर है ना, ये हमें VBE वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, कौन, बेस, ये V1 वोल्ट मीटर। नाउ नेक्स्ट इज हमें इमीटर से फ्लो होने वाले करंट को मेजर करना है, तो इमीटर से जो करंट फ्लो होता है उसे मेजर करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, एमीटर। और एमीटर जो है वो हमेशा कहाँ कनेक्ट होता है, सीरीज में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इमीटर और बैटरी के बीच में एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है, इट इज मिली एमीटर। अब ये जो मिली एमीटर है, इसमें भी क्या है, दो टर्मिनल है, तो जहां से, जिस टर्मिनल से, जिस पॉइंट से करंट इस एमीटर में इंटर होता है वो टर्मिनल क्या कहलाता है, पॉजिटिव, और जहां से करंट इस एमीटर से बाहर जाता है वो कहलाता है नेगेटिव। तो हमें पता है इमीटर से फ्लो होने वाला, ये एरो क्या डिफाइन कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ से करंट क्या होगा, इस साइड जाएगा,
तो ये होगा हमारा आईई का डायरेक्शन. सो इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव. ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होता है. नाउ आउटपुट पर भी हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए. तो हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं. ये वोल्ट मीटर हो गया मान लो V2. अगेन इसकी जो पोलैरिटी होगी बैटरी की पोलैरिटी से मैच करेगी. इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव. ये किसे मेजर कर रहा है, VCB को. क्लियर है, आउटपुट वोल्टेज को. आउटपुट करंट जो है दैट इज IC करंट. ये क्या है, हमारा IC करंट है. और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ IC को मेजर करने के लिए हम क्या कर दें, हम यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं. यह हमारा एक एमीटर कनेक्ट हो गया, दैट इज मिली एमीटर. करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है, दैट इज ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव. ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट इजी वे में कंप्लीट होता है. ठीक है, ये अभी तक का हमारा सबसे लेंथी सर्किट है फर्स्ट पेपर का. सो आई होप आप सभी को ये सर्किट कैसे ड्रॉ करना है वो क्लियर होगा. अब बात करें हम इसके कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन के लिए सिंपली आपको क्या करना है, हमें BJT को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में रखना है. BJT को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में रखने के लिए बेस टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों पर कॉमन लेते हैं. इनपुट जो है हम बेस इमीटर से अप्लाई कर रहे हैं, जबकि आउटपुट बेस कलेक्टर से लेते हैं. नाउ इस BJT को वर्किंग मोड में लाने के लिए इसे हम फॉरवर्ड एक्टिव मोड में लाते हैं. इसके लिए फॉरवर्ड एक्टिव मोड में लाने के लिए इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए हमने एक बैटरी VEE को लिया है. VEE के नेगेटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर, मान लीजिए पोटेंशियोमीटर है P1, P1 पोटेंशियोमीटर के X1 टर्मिनल से, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल को P1 पोटेंशियोमीटर के Y1 टर्मिनल से कनेक्ट किया है. Z1 टर्मिनल को मिली एमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, जबकि मिली एमीटर का पॉजिटिव इमीटर से कनेक्ट है. Y1 टर्मिनल को हमने बेस से कनेक्ट किया है. VBE बेस इमीटर के बीच का वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर V1 को कनेक्ट किया है. V1 के नेगेटिव को इमीटर से, जबकि पॉजिटिव को बेस से कनेक्ट किया है. नाउ आउटपुट बेस कलेक्टर को रिवर्स करने के लिए हमने एक बैटरी VCC का यूज़ किया है. इस बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल को पोटेंशियोमीटर P2 के X2 टर्मिनल से कनेक्ट किया है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल को P2 के Y2 से कनेक्ट किया है. Z2 टर्मिनल को मिली एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, जबकि मिली एमीटर का नेगेटिव कलेक्टर से कनेक्ट है. Y2 टर्मिनल जो है वो बेस से कनेक्ट है. नाउ बेस कलेक्टर के बीच का वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर V2 का यूज़ किया है. इस V2 का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कलेक्टर से, जबकि नेगेटिव टर्मिनल बेस से कनेक्ट है. ये V2 VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज को मेजर करता है. आई होप आप सभी को ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम क्लियर होगा और एज वेल एज इसकी कंस्ट्रक्शन क्लियर होगी. आल्सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की. सो आज के क्लास में इतना ही. थैंक यू.